हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियर्स क्लब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्लास्टरिंग के बारे में जानने वाले हैं। प्लास्टरिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है कंस्ट्रक्शन में, उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। प्लास्टरिंग क्या है? प्लास्टरिंग एक टाइप का मोर्टर जो हम लोग दीवार पे अप्लाई करते हैं, जैसे कि उसका स्मूथ फिनिश आ जाए, उसका जो भी जॉइंट्स कवर हो जाए, पूरा एक लुक के लिए, उसका पूरा स्मूथनेस के लिए, जॉइंट्स के लिए, मैसनरी सरफेस को कवर करने के लिए हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं। वो एज ए डैम प्रूफ कोट भी एक्ट करता है, एज वेल एज ये एक फिनिशिंग भी देता है, दीवार को एक टाइप का फिनिशिंग देता है, जैसे कि वो स्मूथ फिनिश हम लोगों को चाहिए जैसा उस हिसाब से, और उसका अपीयरेंस, बिल्डिंग का जो अपीयरेंस है वो भी अच्छा दिखता है। प्लास्टरिंग जो हम लोग यूज करते हैं उसमें मेनली कोटिंग, प्रोटेक्टिंग, उसके बाद ही डेकोरेटिंग, इंटरनल वॉल्स, सीलिंग्स, एज वेल एज हम लोग एक्सटर्नल प्लास्टर भी करते हैं। मेनली आर्किटेक्चरल मोल्डिंग्स, इसमें सीलिंग होते हैं, कॉर्नेसेस, कॉर्बल्स, इसके लिए हम लोग प्लास्टरिंग का इस्तेमाल करते हैं। मेनली कॉमन टाइप ऑफ प्लास्टर मेनली क्या है, कंपोजिशन जिप्सम, लाइम और सीमेंट, मतलब जिप्सम प्लास्टर है, लाइम प्लास्टर है और सीमेंट प्लास्टर है विथ वाटर एंड सैंड, मतलब सीमेंट मोर्टर या फिर लाइम वाटर, लाइम मोर्टर और जिप्सम। इसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग जो रहता है प्लास्टरिंग का, वही प्रोटेक्टिंग कवरिंग की वजह से ब्रिक्स और स्टोन्स का डायरेक्ट जो सनलाइट या फिर एटमोसफेयर से जो भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहता है वो अवॉइड होता है, तो प्लास्टरिंग उसको कवर करने की वजह से उसको विंड, रेन या हार्मफुल गैसेस जो भी है वो मैसनरी को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता, प्लास्टरिंग उसको कवर करता है। अभी प्लास्टरिंग जैसा हमने अभी देखा कि एक डेकोरेटिव फिनिश है, इसको अलग अलग शेड्स हम दे सकते हैं, जैसे अपने रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइन है, उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन में हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट है, डिज़ाइन है, उसके हिसाब से हम अलग अलग शेड देते हैं। अभी इसमें एक इमेज दिख रहा है प्लास्टरिंग करते समय, आप देख सकते हैं। अभी प्लास्टरिंग कौन कौन से टाइप्स का प्लास्टरिंग है वो मटेरियल के ऊपर, मतलब कौन कौन सा मटेरियल हम लोग यूज करते हैं उसके हिसाब से उसके टाइप्स है। पहला है लाइम प्लास्टर, लाइम प्लास्टर, लाइम मिक्सचर जो यूज करते हैं, लाइम मिक्सचर का सैंड और लाइम, इसमें 1:3 रेशो रहता है, 1 sand 3 लाइम। ये मिक्सचर मेनली अंडरकोट और फिनिशिंग कोट दोनों के लिए यूज किया जाता है, ये पुराने जमाने में यूज किया जाता था। लाइम प्लास्टर मेनली ड्राई होने के बाद श्रिंक होने का चांसेस रहता है, तो उसके लिए एक ऑलमोस्ट 5 kg एनिमल हेयर टाइप वो यूज किया जाता है पर मीटर स्क्वायर, ताकि वो श्रिंक ना हो, उसमें क्रैक्स ना हो, श्रिंकिंग ना हो उसके लिए। लाइम प्लास्टर मेनली एंशंट स्ट्रक्चर्स में रिस्टोरेशन और रिहैबिलिटेशन में यूज किया जाता है। अभी दूसरा है सीमेंट प्लास्टर, जो आजकल हम लोग कॉमन में देखते हैं, इसमें मेनली ग्रे पोर्टलैंड सीमेंट मिक्स किया जाता है पानी के साथ में, इसमें रेशो अलग अलग रेशो रहते हैं, 1:3, 1:4 अलग अलग टाइप के रेशो रहते हैं। इसमें एक ध्यान में रहना है कि ये जो रिवर सैंड रहती है मेनली वो वॉश्ड सैंड, मतलब क्लीन सैंड चाहिए, सिल्ट कंटेंट जाना नहीं चाहिए उसमें, उसके हिसाब से ये सैंड यूज की जाती है। और ये अंडरकोट और फिनिशिंग दोनों में ये अलग अलग इसका रेशो रहता है मोर्टर का, उसके हिसाब से बनाया जाता है। इसमें अभी कौन कौन सा ब्रिक ब्लॉक वॉल्स है, पार्टीशंस है, उसके हिसाब से ये रेशो डिसाइड होता है। अभी मिक्सचर जो रहता है सीमेंट और सैंड का, ये प्लास्टिक बन जाता है, और ये प्लास्टिसिटी की वजह से इसके लिए एक टाइप का स्किल लेबर भी जरूरत होती है, वो जो लोग अप्लाई कर सके। इसके बाद कभी कभी इसमें प्लास्टिसाइजर और
लाइम भी ऐड करते हैं, तो रेशो जैसे कि 1 सीमेंट है 0.25 लाइम है 3 सैंड है और 1 सीमेंट है टू 4 सैंड विथ प्लास्टिसाइजर है। प्लास्टिसाइजर एक टाइप का एक लिक्विड है जो इस मोटर में, सीमेंट मोटर में यूज किया जाता है, जो प्लास्टर को स्प्रेड करने के लिए ईज होता है, मतलब सरफेस में उसको स्प्रेड करके कवर करने के लिए, स्प्रेड प्लास्टरिंग करने के लिए इजी होता है। अभी तीसरा है जिप्सम प्लास्टर। जिप्सम प्लास्टर भी आजकल बहुत ही ज्यादातर यूज किया जाता है, मेनली एक टाइप का प्लास्टर मटेरियल है ये, माइंड नेचुरली और प्रोड्यूस्ड बाय प्रोडक्ट रहता है, इसका एक अलग टाइप का प्रोडक्ट रहता है, अलग अलग कंपनियों का रहता है। जिप्सम प्लास्टर मेनली ऐसे अंडर कोट, फिनिश कोट किया जाता है और मेनली लाइम और सीमेंट प्लास्टर को ये रिप्लेस करते हैं। इसमें अलग टाइप का एक्सपांशन ऑफ जिप्सम जो रहता है वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी है जो श्रिंकेज और क्रैक्स अवॉइड करता है, मतलब श्रिंकेज और क्रैक्स इससे वजह से प्रिवेंट करता है। अलग अलग टाइप के अभी जिप्सम प्लास्टर्स है जो मेनली हीटिंग जिप्सम कैसे करते रहते हैं, जिप्सम को एक स्पेसिफिक हीटिंग करके अलग एक स्पेसिफिक डिग्री या टेम्परेचर को हीटिंग करते हैं, उसके बाद एनहाइड्रस जिप्सम जो रहता है मैन्युफैक्चर, वो जिप्सम को 170 हीट करके उसको हेमियाडेट जिप्सम उसको हीट करते हैं और अलग अलग टाइप के जिप्सम को एक मोर देन 1 मतलब हीट करके इसको बनाते हैं। इसका अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन रहते हैं, जैसे वॉल्स, सीलिंग्स, जैसे जिप्सम प्लास्टर मेनली अलग अलग कैटराइज किया जाता है, जैसे कास्टिंग, अंडर कोट, फिनिश, 1 कोट, डबल कोट, मशीन अप्लाइड। अभी बैकग्राउंड सरफेसेस, जैसे टाइप्स ऑफ प्लास्टर एंड उसके जो एप्लीकेशंस रहते हैं वो उसके बैकग्राउंड जो सरफेस रहता है इसका, जो भी वॉल का, सीलिंग का रहता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है और उसके हिसाब से ही वो सेट किया जाता है। अभी ब्रिक्स है या ब्लॉक्स है, अगर वो रफ और सॉलिड सरफेस रहते हैं उसमें मेनली मैकेनिकल एडिशन रहता है, प्लास्टर ज्यादा रहता है उस समय, ये बैकग्राउंड और वॉल्स और सीलिंग को ये प्लास्टर किया जाता है। अभी बैकग्राउंड सरफेस ऑफ प्लास्टर में मैकेनिकल कील्स, मतलब जो डियर हार्डन रहता है प्लास्टर सरफेस को, मतलब क्रिएट किया जाता है उसको वेट अंडरकोट प्लास्टर से, बाद में इसको ड्राई किया जाता है। प्लास्टर की जो रहता है वो इसका श्रिंकेज को लिमिट करता है या फिर कंट्रोल करता है, तो उसके लिए ये मेनली प्लास्टर की का इस्तेमाल प्रिंसिपल कंपोनेंट पर अंडरकोट प्लास्टर के लिए करते हैं। ये मशीन प्रेस्ड ब्रिक्स और विथ हाई डेंसिटी और स्मूथ पर सरफेस जो रहते हैं ब्रिक्स या फिर मशीन में बनाए हुए मोल्ड में बनाए हुए, वो ज़्यादातर वाटर एब्सॉर्ब करते हैं, तो इसकी वजह से ये वो प्लास्टरिंग को अडेरिंग करने की जरूरत है ताकि वो वाटर एब्सॉर्प्शन होने की वजह से प्लास्टर में क्रैक्स ना आए। अभी डिग्री ऑफ वाटर एब्सॉर्प्शन, इसकी वजह से जो स्मूथ सरफेस जो रहता है ब्रिक्स का जो सरफेस रहता है इसमें मेनली वाटर एब्सॉर्प्शन ज्यादा होने की वजह से ये प्लास्टर का ये उसमें से भी पानी वो एब्सॉर्ब करता है, इसलिए उसको सक्शन भी बोलते हैं। ब्लॉक्स मेनली रहते हैं, ब्लॉक्स प्रोड्यूस बाय लाइट वेट कॉन्क्रीट, जैसे एसी ब्लॉक हो गया, सीएलसी वगैरह हो गया, इसमें लार्ज टाइप का सेक्शन रहता है, मतलब वाटर एब्सॉर्प्शन वगैरह, जो मेनली प्लास्टर को अटैच करने के लिए थोड़ा तकलीफ देता है या फिर प्रिवेंट करता है, तो इसके लिए एडिशन वगैरह यूज करते हैं। तो इसलिए वाटर एब्सॉर्प्शन डिक्रीज करने के लिए एडवाइस दिया जाता है, इसके लिए क्या करते हैं, लिक्विड प्राइमर और स्प्रेइंग वाटर बिफोर प्लास्टरिंग, लिक्विड प्राइमर इसमें यूज करना है या फिर पूरी दीवार के ऊपर पानी मार देना है। या दो टाइप के सॉल्यूशंस हैं,
जो लो सक्शन उसमें पीवीए बॉन्डिंग एजेंट और पॉलीमर बॉन्डिंग एजेंट, ये बॉन्डिंग एजेंट डाल के उसमें प्लास्टरिंग करने से वजह से बॉन्डिंग और ग्रिप अच्छा पकड़ता है। ये अलग पूर्वी पुराने मेथड में जैसे पॉलीविनाइल एक्रिलेट हो गया, वो एक ब्रश से पॉलीविनाइल एक्रिलेट एक ब्रश से पूरे दीवार के ऊपर स्प्रेड करते हैं, उसके बाद वो प्लास्टरिंग उसके ऊपर स्प्रेड करते हैं। और पॉलीविनाइल एक्रिलेट जब स्टिकी रहता है उस समय ये प्लास्टरिंग करने की वजह से वो एक अच्छा बॉन्डिंग होता है। अभी बाद में कैसा नया प्रैक्टिसेस में कि अलग अलग जैसे सरफेस हो गया, ये सिलिका हो गया, सैंड हो गया, पॉलीमर हो गया, और उसके बाद में सिलिका की वजह से ये सिलिका सैंड ग्रेन, उसके बाद ये अप्लाई करने के बाद ये पॉलीमर यूज करके उसको ड्राई किया जाता है और फिर प्लास्टरिंग किया जाता है। ये मेनली वॉल जंक्शन में और सीलिंग और वॉल का जो जंक्शन रहता है उस जंक्शन में यूज किया जाता है। अभी अलग अलग टाइप के फिनिशेस है प्लास्टर्स के, तो उसके हिसाब से कौन कौन से टाइप्स है हम देखेंगे। पहला है स्मूथ कास्ट फिनिश, दूसरा है रफ कास्ट फिनिश, तीसरा है सैंड फेस्ड फिनिश, चौथा है पेबल डैश फिनिश, पांचवा है स्क्रैप फिनिश, छठा है डीपर फिनिश, सातवा है टेक्सचर्ड फिनिश। अभी हम ये सब वन बाय वन देखेंगे। पहला है स्मूथ कास्ट फिनिश, इधर साइड में आप स्केच देख रहे हैं जैसे कि सरफेस एकदम स्मूथ दिखता है। इसमें स्मूथ कास्ट फिनिश के लिए जनरली 1:3 मॉर्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि 1 सीमेंट और 3 सैंड। इसमें फाइन सैंड मेनली अच्छा से फाइन सैंड क्लीन करके लिया जाता है। मोटर स्प्रेडिंग करने के लिए स्क्रीनिंग फ्लोट या फिर वुड फ्लोट ये यूज करते हैं, लकड़ी का जो ये पट्टा बोलते हैं उसको। इसको स्मूथ फिनिश स्प्रेड करने के बाद अच्छा से लेवल करते हैं और उसका स्मूथनेस के लिए अच्छा लेवलिंग करके उसका अपीयरेंस लाते हैं। दूसरा है रफ कास्ट। रफ का जैसे कि वर्डिंग में ही इसका मीनिंग है, इसका फिनिशिंग थोड़ा रफ रहता है, स्केच में आप इमेज में देख सकते हैं। इसको स्पैटर डैश फिनिश भी बोलते हैं। इसमें कौन एक मोटर यूज करते हैं कि ज्यादातर उसका रफ फिनिश जो जैसे कि कोर्स एग्रीगेट या सीमेंट और सैंड के साथ में इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें रेशियो जैसे रहता है 1:1.5:3, इसमें कोर्स एग्रीगेट जनरली 3 mm से 12 mm के बीच में ही रहता है। इसमें एक सीमेंट हो गया, 1.5 सैंड हो गया और 3 एग्रीगेट हो गया। इसमें ज्यादातर क्वांटिटी का जो मोर्टर रहता है वो ट्रॉवेल से लेके उसको सरफेस के ऊपर लगाते हैं और वुडन फ्लोर से लेवल करते हैं। जनरली ये बिल्डिंग के एक्सटर्नल एरिया में या एक्सटर्नल बिल्डिंग में इस्तेमाल करते हैं। सैंड फेस्ड फिनिश जैसे अभी साइड में स्केच में देख रहे हैं, इसमें जैसे सैंड एक्सपोज ऐसा दिखता है या फिर सैंड का अपीयरेंस दिखता है। इसमें फिनिश आने के लिए दो कोट्स रिक्वायर्ड है। जैसे पहला कोट है 12 mm का सीमेंट सैंड वाटर 1:4, और ये जनरली अलग अलग जिगजैग लाइंस में या फिर वर्टिकल ऐसे लाइंस में बनाए जाते हैं और इसको 7 दिन के लिए क्यूरिंग के लिए रखते हैं, मतलब पानी मारते हैं। और उसके बाद में 8 mm तक का सेकंड कोट अप्लाई करते हैं, उसमें रेशो 1:1 रहता है सीमेंट सैंड, और ये लेवल और सरफेस स्पॉन्ज से फिनिश करते हैं। इसमें जिगजैग लाइन इसके लिए दिया जाता है ताकि वो ग्रिपिंग या फिर बॉन्डिंग बना रहे दोनों कोट में। इसके बाद अलग बाद में थोड़ा एक सैंड कुछ सैंड लिया जाता है, रेती ली जाती है, उसको स्क्रीन करके एक यूनिफॉर्म ग्रेन साइज लेके उसको दीवार के ऊपर अप्लाई करते हैं जो सेकंड कोट जो रहता है मतलब फ्लोर से, और इसको सैंड फिनिश यूनिफॉर्म ग्रेन साइज से उसको
पाया जाता है। जैसे सेकंड कोट होने के बाद एक ग्रिस हैंड लेके उसको दीवार के ऊपर लगाते हैं, उसको स्मूथली लेवल करते हैं। अभी पेबल डैश फिनिश, इसे इधर इमेज आप देख रहे हैं। पेबल डैश फिनिश मेनली 12 mm थिकनेस का मॉर्टर की रिक्वायरमेंट है, 1:3, 1 सीमेंट 3 सैंड। इसमें प्लास्टरिंग होने के बाद में अलग अलग टाइप के पेबल जैसे 10 mm से 20 mm के, ये उस पर प्लास्टरिंग सरफेस पे लगाए जाते हैं, इधर आप स्केच में देख रहे हैं। इसके बाद में उसको प्रेस करके प्लास्टर सरफेस को वुडन फ्लोर से लेवल किया जाता है। और ये जब हार्ड होता है तो एक दिखने के लिए एक एस्थेटिक अपीयरेंस या फिर अच्छा दिखता है इसके लिए स्ट्रक्चर में, जहाँ अपीयरेंस अच्छा हो, आर्किटेक्चरल अपीयरेंस हो, वहाँ ये यूज करते हैं। अभी स्क्रैप्ड फिनिश, जैसे इधर साइड में आप इमेज में देख रहे हैं, स्क्रैप्ड फिनिश के लिए मेनली दूसरा जो फाइनल कोट है 10 से 12 mm थिकनेस वाला एक मोर्टर अप्लाई करते हैं और उसको ड्राई होने तक देते हैं, और ये ड्राई होने के बाद में स्टील ब्लेड या फिर प्लेट से उसको स्क्रैप करके प्लास्टर लेयर 3 mm का उसका डेप्थ बनाते हैं। जैसे साइड में आप देख रहे हैं उसमें कुछ स्क्रैच किया गया है 3 mm का, उसमें कुछ ये दिखता है आपको। और ये मेनली इसमें क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अभी डीपेंटर फिनिश, अभी डीपेंटर फिनिश ये जस्ट लाइक पेबल डैश फिनिश जैसा ही है, ये पेबल्स की जगह ग्रेवल्स यूज किए जाते हैं। अभी एक टेक्सचर्ड फिनिश, टेक्सचर्ड फिनिश इधर आप इमेज में देख रहे हैं। टेक्सचर्ड फिनिश मेनली एक स्टुको प्लास्टरिंग से बनाया जाता है, इसमें अलग टाइप के टेक्सचर्स और शेप्स बनाए जाते हैं और फाइनल कोट के लिए सूटेबल टूल्स इस्तेमाल किया जाता है। अभी एक्सटर्नल रेंडरिंग, जनरली एक्सटर्नल बिल्डिंग का जो प्लास्टर्स रहता है मेनली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कॉन्क्रीट और क्ले ब्लॉक्स, मेनली देखने में इतना अच्छा नहीं दिखता, तो उसके लिए अट्रैक्टिव ज़्यादा ये उसने की जरूरत नहीं होती। जैसे प्लीज नॉट अज्यूम टू बी प्लीजिंग एस्थेटिकली और डो नॉट प्रोवाइड अट्रैक्टिव अपीयरेंसेस, तो उसके लिए एक्सटर्नल फेसेस को एक रेंडर किया जाता है या फिर 2 या 3 कोट से लाइम और सीमेंट मिक्स करके नेचुरल एग्रीगेट्स या फिर फिनिश टेक्सचर्स और स्मूथ करके उसको थोड़ा एस्थेटिकली प्लीजिंग किया जाता है या फिर डेकोरेटिव किया जाता है। तो मेनली रेंडरिंग की वजह से वॉल रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन ऑफ रेनफॉल, मतलब जो बारिश के उसके लिए भी इसका एक रेजिस्टेंस ये बढ़ाने का काम करता है रेंडरिंग की वजह से। मेनली एक्सटर्निंग मेनली बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टू द बैकग्राउंड एंड यूटिलाइज्ड मिक्सचर्स एंड सरफेस फिनिश, मतलब ये जो बैकग्राउंड है उसके साथ ये जो मिक्सचर हम लोग यूज करते हैं और सरफेस फिनिश, इसका पूरा अच्छा से बॉन्डिंग होना जरूरी है। तो प्लास्टरिंग जो पूरा क्वांटिटी रहते हैं उसको हम लोग स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं, जैसे लेंथ एंड ब्रेथ, थिकनेस उसका कोई भी हो, जैसे सीलिंग के लिए 6 mm होता है, दीवार के लिए 12 mm होता है, इंटरनल कोट के लिए, एक्सटर्नल अगर कोट है, एक्सटर्नल मतलब डबल कोट प्लास्टर है तो वो 20 mm या फिर 24 mm होता है, जैसे कि फर्स्ट कोट 12 mm, दूसरा 8 mm या फिर 15 mm का भी प्लास्टरिंग रहता है। ऐसे अलग अलग थिकनेस के हिसाब से होता है, एक मेजरमेंट उसका लेंथ एंड टू ब्रेथ इसके हिसाब से स्क्वायर मीटर में होता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसे लगा आप जरूर कमेंट कीजिए, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरा चैनल देखते रहिए। थैंक यू।